अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में यूएई और भारत के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि यूएई की टीम को हराते हुए भारतीय टीम ने अपनी वर्ल्ड कप की दूसरी जीत को हासिल किया है। टीम इंडिया ने अपना मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला, जहां भारतीय टीम 122 रन से जीतने में कामयाब रही। भारतीय टीम ने अब सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। बात करें अगर मुकाबले की तो टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। निर्धारित 20 ओवर के खेल में टीम ने 219 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। भारत के लिए श्वेता शेहरावत 74 रन बनाकर नाबाद रही। शेफाली वर्मा जो टीम की कप्तान है, उन्होंने 34 गेंदों में 78 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और 229 के स्ट्राइक रेट से रन बटोरे। शेफाली वर्मा और श्वेता शेहरावत के बीच पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में ही 111 रन की बड़ी साझेदारी हो गई। इसके बाद जब शेफाली वर्मा आउट हुई तब टीम के लिए ऋचा घोष जो विकेटकीपर बल्लेबाज है बल्लेबाजी करने उतरी। ऋचा ने 29 गेंदों में 49 रन की पारी खेली। ऋचा और श्वेता शेरावत के बीच 89 रन की साझेदारी हुई। आखिरी में त्रिशा और साथ ही सोनिया ने अपना अपना योगदान दिया और टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंची। जब यूएई की टीम 220 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी तो टीम की बल्लेबाजी पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। यूएई की टीम निर्धारित 20 ओवर में केवल 97 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने एक जबरदस्त जीत हासिल की। टीम की 122 रन से बड़ी जीत हुई। यूएई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 97 रन ही बना सकी। भारत के लिए शबनम, तीतास, मन्नत, अर्चना देवी, शेफाली वर्मा, परश्वी चोपड़ा, सोनिया ने कमाल की गेंदबाजी की। भारत के तमाम गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला और टीम इंडिया इस मुकाबले में जीतने में कामयाब रही। बता दें कि भारत ने अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था और अब टीम अब ग्रुप डी में पहले स्थान पर आ गई है। भारत का नेट रन रेट भी काफ़ी मजबूत है। टीम को 18 जनवरी को स्कॉटलैंड के साथ अपना अगला मुकाबला खेलना है, जो ग्रुप का आखिरी मुकाबला होगा। अगर भारतीय टीम वहाँ जीतने में कामयाब होती है तो सुपर 8 में टीम इंडिया अपनी जगह को और पक्की कर लेगी। भारत के लिए ये अंडर 19 वर्ल्ड कप काफ़ी शानदार है। टीम की बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। शेफाली वर्मा और साथ ही श्वेता शेहरावत ने अपने दोनों ही मुकाबलों में अर्धशतक जड़ा है। शेफाली वर्मा को उनकी पारी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।